आए जरा मिलकर सोचते हैं। जश्न आज़ादी तो मैंने बहुत जोश व खरोश से मनाई, लेकिन बकिया साल मेरा एक पाकिस्तानी होने के नाते क्या रवैया होता है, आइए देखते हैं। घर के बाहर झंडा लगा है और मैं सोच रहा हूं कि मैंने इस मुल्क को क्या दिया। ईमान मेरा इतना कमजोर है कि वजन के हिसाब से कोड़ियों के मूल बिकता है। सियासतदानों को गालियां किस मुंह से दूं, आखिर ये लोग भी तो हम में से ही हैं। कचरा मैंने सही जगह फेंकना नहीं है तो कोई क्यों उठाए, क्योंकि उठाने वाले भी तो हम में से ही हैं। पुलिस को आज तक हमने सही होते देखा नहीं, ना मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो अदालतें भी इंसाफ क्यों दे हमें, आखिर वो भी तो हम में से ही हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज कहाँ भाई, इनकी हालत सीरियस है, इनको आगा खान लेके जाओ। कसाई और प्राइवेट अस्पतालों में भी कोई फर्क नहीं, सेहत की बात करो तो सिर्फ पोलियो के कतरे ही तो फ्री मिलते हैं। अरबों रुपए की कमाई लॉकडाउन में पुलिस ने और सुनाए सियासतदानों ने, आखिर चोर हम में से ही हैं। स्ट्रेंज, इन सब के बाद भी क्या मैं इस परचम को थामने का हक रखता हूँ? मुझे ग्राउंड प्लस 4 बनाना है और पार्किंग मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि ये रोड मेरे बाप की है। मैं अपने घर के आगे पौधे क्यों लगाऊं? क्यों किसी को मैं अपने घर के आगे पौधे लगाने दूं? मुझे मच्छर भी तो तंग करते हैं। इस मुल्क के लिए खुदा की तरफ रुजू कैसे करूं? कैसे मैं इस आसमान को देखूं? दिखते तो सिर्फ तारों के गुच्छे। कब तक मैं ये सवाल करता रहूंगा कि इस मुल्क ने मेरे लिए क्या किया, जबकि मुझे ये अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने इस मुल्क के लिए क्या किया।